नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे किचन में अंडा कढ़ी बन रहा है, तो अंडा कढ़ी मिनटों में कैसे उबालेंगे चलिए आपको दिखाती हूँ। कुकर में उबाल कर देखिए, हम ये 250 ग्राम आलू लिए हैं, 8 पीस अंडा है, इसको हम कुकर में डालकर दिखाते हैं। हम पानी डाल देंगे एक कटोरी, हाई फ्लेम पे बैठा देंगे एक भी सलाने तक। देखिए दोस्तों, प्याज को छील लिए हैं और चलिए अब इसको काट लेते हैं, प्याज टमाटर को इस सबको काट लेंगे लंबा लंबा। तब तक मेरे अंडे उबल रहे हैं, अभी आया नहीं है एक भी सर। देखिए दोस्तों, एक भी सेल आ गया है, अब हम कुकर को बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, गैस मेरा पूरा अच्छी तरह से निकल गया है, आलू भी गल गया है अच्छी तरह से और अंडा भी अच्छे से हो गया है। चलिए अंडे को पानी के बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे अंडे को हमने पानी वाले बाउल में निकाल लिए हैं, नॉर्मल पानी है। अब इसको चलिए छीलते हैं। तो देखिए मेरे अंडे कितने अच्छे से उबल गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुकर का विसल खुद से निकल जाने दीजिएगा, गैस उसका निकालना नहीं है। जब खुद से कुकर ठंडा हो जाएगा इसके बाद अंडे को बाहर निकालना है। बस ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 7 मिनट लगता है गैस निकलने में। देखिए दोस्तों, इस तरह से फोर्क से हम इसको ऐसे इस तरह से करने पर ग्रेवी अंदर तक चला जाता है, आलू भी टेस्टी लगता है खाने में। सारे आलू को हम लोग इसी तरह से कर लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे सारे अंडे में, थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। इसके बाद इसको तलना स्टार्ट करेंगे। तलने के लिए देखिए, हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं चूल्हे पर, अब इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। इसमें थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर हल्दी, इसमें डालेंगे अंडे। अंडे सावधानी से डालें क्योंकि अंडे बहुत उड़ते हैं, तो उसको सावधानी से डालें। इसको चलाना नहीं है, इसको बस ऐसे हिलाते रहें तो चारों तरफ से एक बराबर एकदम लाल हो जाएगा। तो ऐसे ही हिला हिला कर देखिए दोस्तों, चारों तरफ से कितना अच्छा कलर आ रहा है अंडे पे। ऐसे इसको देखिए दोस्तों, अंडे अच्छी तरह से तल गए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आलू तलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है अंडे का। अब इसी तेल में आलू को तल लेते हैं। ये उबले हुए आलू हैं दोस्तों, इसको भी सेम तरीके से फ्राई कर लेते हैं।
इसको आप चला भी सकते हैं, अच्छी तरह से लाल हो जाएगा ये भी। आलू अच्छी तरह से तल गए हैं, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब इसी तेल में थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं और चलते हैं। ये छौंका लगाने के लिए है, खड़ा गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, दो सूखी लाल मिर्च, तब इसको हम डाल देते हैं। अब ये पक गया है, अब इसमें हम प्याज को डाल देते हैं। अब प्याज होने तक भूनते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये मसाला तैयार कर लेते हैं अंडा कढ़ी का। तो ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, कुछ सूखी लाल मिर्च है, ये लहसुन है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है और ये 1/2 चम्मच जीरा है, ये काली मिर्च है। अब सारे को हम बाउल में डालकर मिक्सर जार में पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो पीसे थे मसाले। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 कटे हुए टमाटर है, इसी टाइम पे इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें जितना पसंद हो। इसको भी 1 मिनट पका लेते हैं टमाटर बनने तक। तो देखिए मसाला हमारा भून चुका है, टमाटर भी गल गए हैं। अभी से टाइम पे इसमें हम पानी मिला देंगे, तो पानी अपने हिसाब से ही मिला है। कितना गाढ़ा ग्रेवी आपको चाहिए, कितना पतला चाहिए, उसी हिसाब से पानी मिला। धनिया थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको सूखा खाना है तो आप बहुत कम पानी ऐड करें, 1/2 कप के करीब पानी ऐड करें और इसको लो आंच पे पका लें अच्छी तरह से। इसमें देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसमें ये जो तला हुआ अंडा और आलू था इसको मिला देते हैं। इसको अच्छे से चला देंगे। इसको ढक कर लो फ्लेम पे 5 मिनट और पकने देंगे ताकि अच्छे से आलू में ग्रेवी चली जाए और अंडे में। तो इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है और
अंडा कढ़ी बन के तैयार है। देखिए ग्रेवी भी इसका गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, तैयार है मेरा अंडा कढ़ी और चावल टेस्टी। और हम लोग तो अब जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खाइए और बताइए कैसा बना है। दोस्तों आप लोग भी एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। थैंक यू।